रघुनाथ तुम्हारा राजा रण सोर से तमन माया लगारी रे। पापा पापा आज कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? बा आने वाला है। हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का। बने रहेगा हमारे साथ वीडियो का एंड तक, आप सब दोस्तों मजा आने वाला है। आज के ब्लॉग में दोस्तों हम अभी घर में सब कुछ मतलब एक नया माहौल बनने वाला है, क्योंकि आज हमारा मम्मी अदर आने वाला है। तो दोस्तों आज प्रतीक भी एक्साइट है, मैं भी थोड़ा ये मेरे को भी अच्छा लग रहा है मम्मी आज घर पे आ रहे हैं, और चिंतन को भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रतीक को क्यों अच्छा लग रहा है वो आपको बताएगा, बता। खिलौने लाने वाले, तो क्या मंगाया है खिलौनों में? रिमोट वाली कार। रिमोट वाली कार मंगाई है, पर कौन सी कार आती है वो आने के बाद पता चलेगा। और आने के बाद दादी माँ को क्या बोलोगे तुम? जय माता जी। क्या बोलोगे? जय श्री कृष्ण, नमस्ते, जय माता जी। चाहे बच्चा, अभी देखो हमारा छोटा सा लड़का है प्रतीक, आप सभी दोस्तों उसको बहुत प्रेम दीजिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और उसके वीडियो पे बहुत अच्छा लाइक आता है। तो हमारे किसी के वीडियो में कोई लाइक नहीं करता है, पर इसके वीडियो में तो 109,000 तक लाइक है, 371 लाइक है इसका, और मेरे वीडियो पे 15, चिंतन के वीडियो पे 40-50 लाइक आते हैं, ठीक है, पर इसके वीडियो में बहुत सारे लाइक आते हैं दोस्तों। तो आपको इसका वीडियो देखना चाहिए, ये आपको बताएगा, ठीक है। और ये आज आपको एक गाना भी सुनाएगा। नहीं। सुना तो मजा आएगा ना, तेरा गाड़ी आ जाएगा आज तो। हाँ। तेरा कार मंगाया था ना। हाँ। तो कार तो आज आ जाएगा, छोटा हाँ। वाला आ जाएगा। नहीं तो, तो आ जाएगा। कितने दिनों से वेट कर रहा था? 25 साल। और वो कहाँ गए थे तो लाए थे? वो कहाँ गए थे तो लाए थे? जूनागढ़ से लाए। बराबर। तो क्यों तो अभी कहाँ पे है, फोन किया? हाँ। कहाँ बैठे अभी? किसके? बच्चों का होमवर्क चेक कर लेते हैं। आज सुबह बहुत ही, आज बकरीद का छुट्टी था ना, तो ज्यादा ही होमवर्क दे दिया था, ठीक है। तो देखते हैं आज कितना होमवर्क करके। अरे ટેશન બતા હાલ ફટાફટ કેટલું કર્યું દે હાલ જે જે દીધું એમાં બતાય સવારે વાત થઈ હતી આપણે એમાંથી કેટલું લેશન કર્યું બતાય દે અત્યારે જેટલું કર્યું હતી બતાય હા બતાય શું શું કર્યું શું કર્યું બરાબર બીજું હા 12 અક્ષર ભાઈ आज हमारी दादी आ चुके हैं गांव से। Hey guys, तो अभी आज चिंतन का दादी और मेरा मम्मी और मेरी मासी आ चुके हैं हमारे घर पे। अभी आपको सबको बताया था ऐसे ही, वो लोग जाता करके आए तो उनके हम पाँव छुएंगे पहले, ठीक है। तो आशीर्वाद मिलेंगे हम सबको बड़ों के, ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे घर पे आते हैं तो बहुत मजा आता है दोस्तों। गांव से आए हम, यहाँ पे रहते भोपाल में, वो लोग हमारे गांव पे रहते। तो गाइस ऐसा ही सब, हम छोटा सा परिवार है हमारा, और ये मेरा मासी है और ये मेरे मम्मी है। तो सभी दोस्तों को जय माता जी बोलो। अभी देखो बड़ों का बहुत सारा आशीर्वाद हमको मिला है दोस्तों। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक।
प्रतीक और पीयूष के लिए दो गाड़ी लेके आए हैं, वो आपको चिंतन दिखाएगा अभी। वो बहुत ही छोटा छोटा मस्त गाड़ी लेके आए हैं वहाँ से, जहाँ यात्रा करने गए थे वहाँ से। तो दिखाओ तुम कैसा है प्रतीक। तो गाइस आप देख सकते हैं ये प्रतीक और पीयूष की गाड़ी है। प्रतीक बता कैसे चलती है इसमें क्या? ओहो पीयूष ने तो तोड़ भी दिया, कैसे है बताना फटाफट। ये देखो गाइस देखो गाइस लाइट पर દસ માં અંજાર માં પણ છે છે જગ્યા જો માનો મઠ પૈસા તમારા નથી લેવા, તમારા ખોટા રૂપિયા નાખી દો, ખોટા રૂપિયા કઈ જરૂર નથી મારે તમારા પૈસા ની, મુગલ માનુરી અહીંયા તો આ છે, અહીંયા પૈસા પૈસા લેતા, પૈસા પૈસા ના, પૈસા પૈસા ના લેતા, પૈસા ના લેતા, પૈસા તો લેતા જ નહીં, તો પૈસા તમે આવે તો પાછા આવજો। તો સબ ડોગરી દુવાર માં માનો ઓલે મોટર અહીંયા ખાધું કેટલું મજા થયા, મને કશું યાદ નથી આવતું। હા તામોસા યાદ નથી આવતું, તામોસા અમે ગયા માં પછી તમને તામોસા યાદ રહે, પણ અમે મોટા મોટા કહી દો, માનો મઠ કીધો કરો, ચાર આઠ રોકાણ બધાને બધા જયા ત્રણ ચેલા જણા બધા એક ખોર બી માણા હતા, ચિંતન નું પગે લાગુ, મારા છોકરા નું પગે લાગુ, એમને સુખી કરજો, મારા મહેશ નું પગે લાગુ, ગૌતમ નું પગે લાગુ, અમારા નાના છોકરા નું તો વધારે પગે લાગુ, ભગવાન માતાજ માળી એમાં છોકરા ના ચિંતન ને પ્રતિક ને પિયુષ ને કોઈ બીક નથી લાગી, અને મને નથી અમે બીક લાગી, આપણને બીક રહી, મને નથી બીક લાગ્યો, વાવાઝોડું તો પેલા જીવ પેલા બધું પડી જુ, બધું આમ કઈ નતું પથ્થરવારી માટે રહી ને, આમ ઝાડ હે ને આમ થોડું થોડા નમી ગયા હતા, અને આમ પાણી નું બધું આમ થોડું થોડું બરી ગયા હતા, પણ આમ કઈ નુકસાન નહી થયું, એમ આલ્યું એવું હતું, એવું નુકસાન નહી થયું તમ તાર, હા સીધી રીતે પણ બધું ગવર્મેન્ટ સારું કરી નાખે, તરત જ બધું સુવિધા કરી નાખે, ઓડો સુવિધા કરી નાખે, તો જે કરે ને 3-4 દિવસ માં જીવતા જઈએ, અમે દરિયા કાંઠે તા તો અરવિંદ ના તો તરત જ એના ઓલે આવી ગયા, એનો ભાઈબંધ, અને તરત એનો એક એનો ભાઈબંધ શિકાર એને તો પાણી જાય, મારે કીધ ને બેવું, બે ત્રણ જણા બેઠા હતા, હું બેસ
તાર માં આપણા પૂરી નો પર ઓલા કરસન પર બધા કઈડા કઈડા ચોટ થાય પારવાના કરસન પર એ શું કહું બધા એ દરિયા બે તમારા નાથ દ્વારકાના વાળા તારા બેઠ માં બેસી સી પડજો અમારું દુઃખ દૂર કરજે અને અમારા છોકરા ના સુખી કરજે આગળ લાગજે દ્વારકાના દેવ તારા બેઠ માં આવી સી તારી સોનાપુરી નગરી માં મારા ભગવાન અનાવત હો લાઈક ઉપાકી હા એક હો લાઈક કે હા એક ઘરે એક દાણા જઈ નઈ કાલ મારી જવું પડે हमारे मम्मी पापा लोग सब लोग यात्रा पे गए थे तो उन्होंने अपने मुंह से सभी यात्रा का जो वर्णन किया बहुत ही मजा आया दोस्तों सुन के। और हम भी एक बार गए थे, अभी कभी नेक्स्ट टाइम सभी फैमिली के साथ जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे लड़के हमको भी ये सब दिखा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो कभी ना कभी जाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। तो ये वीडियो एंड तक बने रहेगा दोस्तों। पगे तो लागो हरका हरका अरे अरे एक एक बार फर्दी ये मेरे बहुत अच्छे दादी है प्यार कर दे मैं इनको बहुत जानता हूं मैं ये मेरे फैन पढ़ के भेजा है हां हम वेकेशन में आ नहीं पाई नहीं हम लोग लेके आते थे तो देख अब यू चालीस पीट रहा तू के मार तो हूं खोल के મારું તો ઘરે જઈને મને આભરો જ થશે सो गाइस, इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का ना भूले। तो दोस्तों टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बूम।